नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाले हैं आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेगा आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिनचर्या कैसा रहने वाले हैं आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज किसी धार्मिक कार्य की प्रति अपनी रुचि रहेगी। संतान की किसी एक्टिविटी से स्वयं ही गौरवित महसूस करेंगे। खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु ये खर्चे कुछ बेहतरीन और भविष्य संबंधी शुभ योजना के लिए होंगे, इसलिए घबराए नहीं। कभी कभी आपका संकालु स्वभाव बनते कार्यों में रुकावट डाल सकता है। अपनी इस आदत पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के रिस्क लेने की प्रवृत्ति से भी दूर रहें। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपने मनपसंद ऑटोरिटी मिलने संबंधी शुभ सूचना प्राप्त होगी, जिससे प्रमोशन की भी उम्मीद है। व्यवसाय में आज अतिरिक्त आय की भी शुभ स्थितियां बनेगी। जीवन साथी के साथ किसी पारिवारिक समस्या को लेकर कुछ तकरार रह सकती है, परंतु आप अपनी सूझबूझ द्वारा उसका असर पारिवारिक सुख शांति पर नहीं पड़ने देंगे। घुटनों व जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। बढ़ते मौसम में अपना बचाव स्वयं करें तथा व्यायाम का योगों में भी कुछ समय व्यतीत व्यर्थ रहेगा। और आज का आपका भाग्यशाली रंग रहने वाले हैं बादामी और आज का आपका भाग्यशाली अंक रहने वाले हैं 3। खुद को आर्थिक स्वरूप से सफल बनाने की अपनी कोशिश सफल हो रही है, लेकिन केवल पैसों की तरफ ही ध्यान देने की वजह से व्यक्तिगत बातों का नजरअंदाज करना आपके लिए भविष्य में तकलीफदायक भी हो सकती है। रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहें। कम कम संबंधी बातों को सकारात्मक बनी रहेगी। हर बात पर खुद के द्वारा ही नियंत्रण बनाए रखना आपके पार्टनर को भी दुखी कर सकता है। नींद ठीक ना होने की वजह से आंखों में संबंधित तकलीफ भी हो सकती है। और आज इस समय अनुकूल ग्रह गोचर चल रहा है। घर में धार्मिक आयोजन संबंधी कोई कार्य संपन्न हो सकता है, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। आज पूरी मेहनत और लगन से कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, बेहतरीन सफलता मिलेगी। विद्यार्थी का भी अपने अध्ययन के प्रति एकाग्रचित्त होना उन्हें सफल करेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई प्लान कर रहे हैं तो आज उस पर कार्यवाही ना करें। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी योजना पर रूपरेखा बनाना जरूरी है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपनी सेवा भावना उन्हें प्रसन्न रखेगी। पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसाय में कुछ समय से चल रहे तनाव दूर होंगे तथा आपसी संबंधों में सुधार आएंगे। धन संबंधी किसी भी तरह से लेन देन के लिए दिन बहुत अच्छा है। यह काम बिना रुकावट के पूरे हो जाएंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। अपने लव पार्टनर के साथ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बनेगा। खुद समय से चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। दवाइयों की अपेक्षा प्राकृतिक इलाज पर भी अधिक भरोसा करें और आज अपने लक्ष्य को ध्यान से रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। आज ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ गलतफहमी आपके द्वारा हो सकती है, इसलिए निर्णय लेते समय और निर्णय का दो बार परख कर ही आगे बढ़ें। आलस से ही दूर रहने की आवश्यकता होगी। व्यापार से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ होगा, लेकिन आप अपनी लापरवाही की वजह से नुकसान भी करा सकते हैं। पार्टनर्स के बीच आकर्षण बना रहेगा। व्यसनों से दूर रहने की आवश्यकता होगी और आज सरकारी पक्ष में अटका काम बन सकता है। विरासत की राजनीति करने वाले को विशेष अवसर मिल सकता है और शनि देव को लोहे का वस्तु भेंट करें।
मित्र बंधुओं को सहयोग से काम बन सकता है या काम बनने का आसार नजर आ सकते हैं। पुराने कष्ट को छुटकारा भी मिल सकते हैं। कुत्तों को जलेबी खिलाएं। किसी भी बात के लेकर तत्काल प्रतिक्रिया बिल्कुल ना दें। निकट के लोगों के सहयोग में कुछ कमी रह सकती है। गायों को रोटी दें। भागा दौड़ी भले ही अधिक हो किंतु लाभकारी स्थिति रह सकती है। कोई पुराना मामला खेल लेंगे तो निपटाना भी हो पा सकता है। शिवलिंग पर मीठे दूध का अभिषेक करें। कोई नई एजेंसी या डीलरशिप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। विदेश सेवा से जुड़े लोगों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। जल में दुर्वा डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। प्रीत पक्ष से अधिक अनुकूलता संभव हो सकती है। नौकरी पैसा लोगों को नई जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। भीष्म स्तुति का पाठ करें। लंबे समय से अटका काम बन सकता है, नया परिचय बना सकता है या परिचय दीर्घजीवी हो सकता है। श्री हनुमान स्वपन का पाठ करें। संतान के करियर या विवाह संबंधी चिंता दूर हो सकती है। पारिवारिक मामलों में भागा दौड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है। पीतल देवता का पूजन करें। मन प्रफुल्लित रह सकता है। अधिकारी आपके प्रसन्न कर रह सकते हैं। गणेश भगवान के मोटी बूंदी के 5 लड्डू चढ़ाएं। प्रॉपर्टी की खरीद प्रोक्त संबंधी कार्यों के लिए दिन उत्तम है। घर का व्यवसाय में संतुलन बनाकर रहेगा। परिवार तथा बच्चों के साथ आमोद प्रमोद व मनोरंजन से में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। बच्चे कोई किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चल सकता है जिसकी वजह से कुछ चिंता होने की स्वाभाविक है, परंतु परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। आज मित्रों के साथ मिलजुल में अपना समय व्यर्थ ना करें। आज व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ फालतू खर्चे बढ़ सकते हैं, परंतु उधार अपनी क्षमता से अधिक ना लें। किसी नए कार्य को शुरू करने की योजना को भी स्थगित रखें, क्योंकि इस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। नौकरी पैसा व्यक्तियों का ऑफिस के नकारात्मक माहौल में धैर्य और संयम बनाकर रखना उचित होगा। व्यस्तता के बावजूद पति और पत्नी एक दूसरे के साथ भी समय व्यतीत करें। इससे संबंधों में नजदीकियां आएगी। रिश्तेदारों के साथ मेलजोल रखना आपकी संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। कभी कभी तनाव डिप्रेशन महसूस हो सकता है। मेडिसिन करें तथा किसी आध्यात्मिक स्थल पर भी समय व्यतीत करना उचित होगा। आज खर्चे बढ़ने की वजह से आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन पैसों से संबंधी सभी कार्य अपने वक्त से पहले ही पूरे होंगे। निर्णय लेते समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, वरना पछताने का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी बात के लिए दूसरों पर जरूरत से अधिक निर्भर ना रहें। काम से संबंधित बातों में मन न मन ही वजह से काम को पूरा कर पाना आपके लिए कठिन हो सकता है। पार्टनर और आपको कठिन समय में एक दूसरे का साथ देने की आवश्यकता होगी। पेट में तकलीफ बढ़ने की वजह से उल्टी जैसी तकलीफ भी हो सकती है। आज और